Hey, hi, welcome back to my channel, MathCC. कल वाली वीडियो देखी आपने? अब तक नहीं देखी? चलो जाओ देखो. पता है मैंने क्या किया उसमें? मैंने ये वाला माइक अनबॉक्स किया है. Now, if you want link, I'm gonna leave it in I button somewhere here only. तो अब जाके देख लेना, okay? So, मैंने जैसे कल कहा था that I'm gonna show you how many mics I've used till now and मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा mic. So, if you're looking for some good mic, definitely this episode is gonna help you क्योंकि मैं मेरा experience share करने वाली हूँ. You know, many tech YouTubers also recommend these mics, but ये मैंने personally try करे हैं and मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे. So, why not to make a video on that and why not to share my experience with you, maybe कहीं तो आपको हेल्प हो ही चाहिए. चलो शुरू करते हैं. सो आई हैव यूज्ड 3 माइक्स टिल नाउ. 1, 2 and 3. सो ये तीनों माइक्स मैंने यूज किए हैं आज तक अपनी यूट्यूब की जर्नी में. नंबर 1 वाज दिस. अब मैंने ये वाले पाउच में रख दिया है, मेरे पास वो वाला बॉक्स नहीं है, सॉरी फॉर दैट. सो दिस इज द माइक. काफी ज्यादा बड़ा है ना ये माइक, बहुत ही ज्यादा अच्छा है. दिस इज अ लेपल माइक. आई गॉट इट फॉर 800 to 900. आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ. तो ये माइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है. मतलब मुझे आज तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई माइक यूज करने में. एंड यू नो द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे आपके कॉलर में लग जाता है, तो आप कहीं भी जाते हो, ऑब्वियसली आप इतना दूर तो अपने कैमरा से जाओगे नहीं, बिकॉज ये पूरा वायर कनेक्ट होता है आपके डिवाइस से. सो यू नो ये वाला माइक यू कैन यूज इट इन योर कैमरा ऑल्सो एंड इफ यू आर यूजिंग योर फोन फॉर योर ब्लॉग्स एंड वीडियोज, तो फोन में भी यूज कर सकते हो. मैंने तो फोन में हमेशा से यही माइक यूज किया है एंड आई जस्ट लव दिस माइक. आई फील दिस इज रियली गुड एंड प्राइस रेंज के हिसाब से भी बहुत ज्यादा सही है. एंड जैसे हम लोग न्यू होते हैं ना, जब हम लोग न्यूली स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल और व्हेन वी स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट न्यूली, तो वी डोंट फील लाइक स्पेंडिंग सो मच मनी, राइट? तो उस हिसाब से you know this mic is really worth it. You must invest on this. Second mic is this. Okay, so I don't have this mic right now with me. जैसे मैंने मेरा camera लिया ना, तो I wanted to have a wireless mic with me. I was suggested to buy this mic and I used it also. But ना मुझे वो अच्छा नहीं लगा. पता है, whenever I used to connect this mic with my device, ना कुछ issue होता था, like not while connecting, but बाद में मुझे पता चलता था, अरे पूरा वीडियो शूट होने के बाद मुझे पता चलता था कि उसमें आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है. ओके, देन आई थॉट मे बी इट्स माय फॉल्ट, मैंने अपने डिवाइस से मैनुअल सेलेक्ट नहीं किया होगा, या तो फिर मैंने उसको ठीक से कनेक्ट नहीं किया होगा इसलिए वो कनेक्ट नहीं हुआ. बोया का माइक है, ऐसे कैसे खराब हो सकता है? तो आई वॉज लाइक इट्स माई फॉल्ट, मैंने ठीक से नहीं करा है. कभी वो कनेक्ट हो जाता था, कभी कभी कनेक्ट नहीं होता था. तो मैंने उसको टेस्ट किया, मैंने उसको चेक किया एंड मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लिया. मुझे लगा कि आई एम नॉट अ टेक सेवी, लेट मी टेल यू, ओके? तो मुझे लगा कि मेरा फॉल्ट है, शायद मेरी किसी मिस्टेक की वजह से वो कनेक्ट नहीं हुआ ठीक से. वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा ना हो, मे बी क्या इशू था, आई हैव नो क्लू. और इसमें ना बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज, मतलब मेरा जो 800 to 900 का लेपल माइक है उससे भी इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं आता था. तो ओवरऑल आई डिड नॉट लाइक दैट माइक. एंड नाउ आई बॉट दिस बोया BY-MM1. टन टन. सो या आई एम रियली हैप्पी विद दिस माइक. ये बहुत ही ज़्यादा सही है, आपके कैमरा के ऊपर माउंट हो जाता है जस्ट लाइक दिस. ये बहुत ही सही वायरलेस माइक है. आई बॉट इट फॉर 1800 rupees. मैंने ये एक बार अपनी कैमरा में माउंट कर लिया, इसकी सेटिंग्स कर ली, देन आई एम लाइक फ्री. मुझे बार बार चेक नहीं करना होता है कि ये कनेक्ट हुआ क्या ठीक से, इसमें आवाज़ आ रही है क्या ठीक से, एक ही बार में कनेक्ट हो जाता है. इसमें बैकग्राउंड नॉइज नहीं आता, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं आता, ऑब्वियसली आता है, बट वो वाले माइक से काफ़ी ज़्यादा कम. तो आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस माइक. So I have used these 3 mics till now. कौन से माइक कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा माइक लेना चाहते हो. सी रोड का माइक एंड बहुत सारे ऐसे माइक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बट वो उनके प्राइस रेंज के हिसाब से हैं.
ये वाले काफी कम प्राइस में है एंड अच्छे हैं, सो आई थॉट शेयर इट विद यू गाइस। सो एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद दिस लेबल माइक, 800 to 900 की रेंज में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है फॉर श्योर। सो एंड धीरे धीरे इफ यू वांट टू अपग्रेड आप कोई और माइक ट्राई कर सकते हो। मैंने तो ये वाले माइक ट्राई किए इसीलिए मैंने आपको इसी के बारे में बताया। सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताने वाले हो कि आप कौन सा माइक यूज करते हो अपनी कैमरा के लिए और अपने फोन के लिए। तो धीरे धीरे यू कैन स्विच टू दिस माइक। ओके ha 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 ha